नमस्कार सतेज सकाल एक सतेज अध्याय को आपको स्वागत करुच्छी मु शक्ति समस्त को सतेज भरा नमस्कार मु कमलाकांत सब दिन भली आज भी आम आलोचना करवा विभिन्न खबर कागज पृष्ठ में कौन सब प्रमुख खबर रही आम रिपोर्टर मैंने जोड़ी हे से संपर्क में अधिक आलोचना करने तेज प्रथम देखा जे क्यों सब प्रमुख हेडलाइन रही विभिन्न खबर कागज युद्ध कथा निहाती भाव में प्रथम तो स्थान पाई देखा जे आज बार दिन होची यूक्रेन और रूसिया युद्ध भितर आज तृतीय पर्याय आलोचना भी रही सहित जब देखा पोलैंड कि भली भाव में युद्धास्त्र देवाई मना कर यूक्रेन को से संपर्कित खबर रही भद्रक रही नलकूर बंधा दौड़ी पापाई कि भली गहली लगुच्छी सेपरि मंडी समस्या कथा जगत सिंहपुर रही जाजपुर व्यास सरोवर विकास कि भली अनियमितता रही से संपर्क भी आगे आलोचना करवा खोर्धार जल समस्या को लेकिन खबर रही सब प्रमुख खबर भितर निहाती भाव में युद्ध को समस्ते प्राथमिकता सह नहीं पौर निर्वाचन कथा सब खबर कागज प्रथम पृष्ठ में स्थान पाई तो भद्रक जो भाई भाव में सूचना दूसरे कमलाकांत कमलाकांत जो भाव में कहते भद्रक पानी नलकूर बंधा दौड़ी ए खबरटी स्थान पाई निश्चित रूप चिंताजनक ये हम पापाई गहली ददरा नलकू भरसार 300 परिवार वर्तमान खरा दिन आरंभ होनी पूर्व जदि एभली स्थिति जिते खरा दिन हम जलस्तर कमिज कौन स्थिति न हो कहीं परिस्थित नलकूटे भी सजड़ा जापना चेन छिड़ी जाठी दौड़ी लगे कि नलकू को से चला वासुदेवपुर भद्रक ये खबर आसी दीप्तिरंजन आम प्रतिनिधि अधिक अपडेट सहित जोड़ी होती दीप्तिरंजन जो भाव में वासुदेवपुर चित्र स्थान पाई लोक मैंने दौड़ी बांधिक नलकू चला तो ये ही पदारे पकोची जे पानी जल समस्या खरा दिन में केते उत्कट रूप धारण कर निश्चित भाव शक्ति साई देखो भद्रक जिला बासदेवपुर जो ब्लक रही बासदेवपुर ब्लक एक नंबर वार्ड तो दुईट नलकू अच्छी किंतु 300 लोक यहाँ डिपेंड करता गोटे नलकूप लुण पा बाहर बेले आउ गोटे नलकूप निर्भर करूँ लोक मैंने तेब यो नलकूपटी संपूर्ण भाव में चेनटा जो लगी से चेन छिड़ जा फल लोक मैंने दौड़ी बांधि नलकूपुर पा काढ़ कौटी ना कौटी लोक मैंने हंतसंत हो देखु बर्षा दिन हो कि शीत दिन हो पा कौटी ना कौटी टिके टिके बाहर चली जाते कि बर्तमान जो खरा दिन आसला निहतर नलकूप लंबा लाइन लगुच दीर्घ समय धरी अपेक्षा करा पड़ू पा मुदे पाइबापी कि लंबा समय धरी जो ढा होती पा भी से ही अनुसार बाहर ना बहुत कम परिमाण में पा से नलकूप बाहर जहाँ को नहीं लोक मैंने हंतसंत होती केवल से एक नंबर वार्ड केवल नलकूप नुहे आउ गोटे कथा रही नलकूप छाड़ी ये एक नंबर वार्ड रास्तार भी समस्या रही दीर्घ समय धरी ए रास्ता बारंबार निर्वाचन आसिले लोक मैंने लोक मत नेता मैंने समस्त प्रतिश्रुति देवाई आसुँचु जीति सारापर प्रतिश्रुति की भूली जाऊँच पंचायत निर्वाचन सरी पौर निर्वाचन आसी एक नंबर वार्ड में यह स्थित की देखिए ना पौर प्रशासन निद भांगुच ना ये नेता मैंने जो प्रतिश्रुति दौर भी पालन करूना कौटे ना कौटे लोक मैंने दीर्घ समय धरी हंतसंत होती पा टे पीवाई देखते शक्ति साई आम कही जेहेतु ये रंजन वासुदेवपुर जो वासुदेवपुर कथा जे देखा ये वासुदेवपुर सहर यह घटना सामना को जदि आसुची वासुदेवपुर एनएससी सरकार कहते सहरांचल ग्रामांचल पर्यंत आम पीवा पा नल जोगे पहुँचेबू कि ये सहरांचल जदि पीवा पा पहुँची पारुनी एवं एक रे तो पाइप जोगे पा पहुँचुनी दुईरे नलकूटे भी अच्छी ताकू भी कौन सजड़ा जापना ये कौन ये कौन गोटे बहुत बड़ कथा जे गोटे नलकूर जब चेन टी खराब हो जाए सजाड़ा जो कि लोक मैंने ये परिस्थिति भोगुंट ये कौ विभाग दायित्व जो जे कि नलकूटी को भी सजाड़ी पारना निश्चित भाव में देखो कहीं विभाग अधिकारी चेई शोला भाया लगुच कहीं जितेबाला बासदेवपुर अंचल समुद्र कूलिया अंचल आप भल भाव जानते सेठ लुण पा बाहर जेहतु पानी समस्या लगी रही केवल बासदेवपुर चांदपाली तीहड़ी तीनो ब्लक लुणा अंचल लुण पा बाहर जहाँकि पानी जल समस्या रही जिला प्रशासन जो पानी जल विभाग एवं करुँच कौन कहीं समस्या समाधान करूना लोक मैंने दयनीय दिन
लंबा लाइन लगाउछन्ते नळकूप रे, नळकूप को भी सजडा जायु नै। जो पाइप जोगे आपण पानी कथा कहउछन्ते, पाइप लागिछि सत, किंतु पानी रो से परिमाण रे, पानी रो जो स्वादुटा रहे, जो क्वालिटी रहे, से क्वालिटी रे पानी बाहरुनि। जार लोक माने नळकूप उपरे भरसा करछन्ति, किंतु ए नळकूप हि जेतेबेले छिडी जाउछि, दौडी बांधिकि लोक माने दैनदिन पानी नमा पई लंबा लाइन दउछन्ति, किंतु कोडी ना कोडी ए दौडी। ये होची चित्र, वास्तव चित्र, जे ये जो आम कह सर्वनिम्न जो सुविधा लोकों पाखे पहुँचवा कथा ताभर अन्यतम हूँ पानी जल और सहीटा लोकों पाखे पहुँची पार ना नल जोगे पीवा पा पहुँच सी तो बहुत दूर कथा नल कूटे खोला ददरा हो गला चेन छिंडीगला मरामती कर बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति रंजन निहाँ ये तो भद्रक कथा थिला। तबे जदि देखिबा युद्ध खबर को देखिबा आज बार तम दिन हो युद्धर एवं युद्ध स्थिति सहित जहाँ प्रभाव पड़ुछि अर्थनीतिर उपरे पड़ुछि से संपर्क खबर प्रकाश पाई भयंकर हेब। जदि देखिबा आर्थिक स्थिति पूरा विश्वर एवं भारतर अत्यावश्यक सामग्री आहुरी दरदाम बढ़ी पारे बोले आशंका करा जाउछि। सेपरी शेष पर्यायर ऑपरेशन गंगा रही जो माने भारतीय सेठी फसी रही आणवाई भारत सरकार उद्यम वर्तमान शेष पर्यायर पहुँची। सेपरी जद देखिबा जदि आज डेवलपमेंट देखिबा तबे आज तृतीय पर्याय आलोचना होबा जाउछि जहाँपर मध्य पूरा विश्वर नजर रही। गगन विश्वाल आम नुआ दिल्ली प्रतिनिधि मध्य जोड़े सारिछन्ते अधिक आलोचना। गगन जदि देखिबा गोटे पटे युद्धर विभीषिका लोक मरुछन्ती, दुई देश भितर युद्ध चलछि किंतु प्रभावित होउछि पूरा विश्व एवं अर्थनीति कथा जब देखा तापर वर्तमान खबर विभिन्न खबर कागज प्रकाश पाई यहाँद्वारा किभली भाव में अर्थनैतिक प्रभाव पड़े पूरा देश उपर खास करके भारत भी यहाँ द्वारा अधिक प्रभावित होगाक जाऊँ। देखो निश्चित भाव कमलाकांत आप देखिए कोविड गोटे आसला कोविड रे पूरा विश्व अर्थनीति दोहल जाता बर्तमान पुणी गोटे युद्ध विभीषिका दे बर्तमान विश्व गति करुच्ची रशिया युक्रेन रे भितर युद्ध होउची किंतु देखिबे अनेक जो वैदेशिक राष्ट्र रही खास करी नाटो कंट्री कथा कहतु अमेरिका कथा कहतु से जो आर्थिक कटकणा लगे रशिया पर निश्चित भाव एवं जो देखिबे अनेक राष्ट्र सहित सीधा साल डायरेक्ट कारबार रही दुईट देश भारत रही तेज निश्चित भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस चले सब देश देश मध्य जिते कौन जगार कौन व्याघात देखा जा विश्व अर्थनीति इंपैक्ट पड़ा स्वाभाविक कथा एवं देखिए बर्तमान रशिया युक्रेन रे जो बर्तमान युद्ध चली तेणु यार निश्चित भाव जो तेल कथा खास कर देखिए खाइबा तेल रेट 20-25 टंका पर्यंत बढ़ी गला तो निश्चित भाव तार गोटे बड़ बजार युक्रेन बोली कहुए तेणु निश्चित भाव तेल दर रेट बढ़िया स्वाभाविक कथा से भाव देखिए जो पानीय द्रव्य रही खास कर बियर प्रोडक्शन में यूक्रेन बहुत आगे था रशिया बहुत आगे था गहम प्रोडक्शन इंडिया भाई बहुत हुए तेणु जी आम कह मादक द्रव्य उपर तार इंपैक्ट पड़ो आगामी दिन में तार रेट बढ़ो विशेषज्ञ मान्य कहते किंतु तेल रेट जो भाई भाव में मार्केट में बढ़ुची गोटे अंकुश लगार आवश्यक पड़ुची कहीं देखिए जो कलाबजारी जिते देखिए कौन बना बात्या परिस्थिति कलाकांत हुए आप देखिए बजार में तेल रेट बढ़ी जाए तेणु गोटे जो र्यूमर सृष्टि होती मार्केट रे निश्चित भाव स्वाभाविक भाव रेट बढ़ो किंतु र्यूमर जो क्रिएट होती तापरे कोटना कोटे अंकुश लगाइबार आवश्यक रही प्रति सरकार जत्नवान होगा उचित खास कर राज्य स्तर में देखिए आगामी दिन में पेट्रोल डीजेल दर रेट वृद्धि होवार जथेष संभावना रही कहीं अलरेडी ऑयल इंडस्ट्री कही सारे से 9 टंका लसेस चलुंत तो निश्चित भाव हुए तो आसंता आर सप्ताह परवर्ती गोटे दुईट सप्ताह मध्य देखिए तेल रेट आहुरी बढ़ी जाए पारे कहीं अर्थनैतिक इंपैक्ट जिते पड़ो से निश्चित भाव रेट बढ़ापी बाध्य हे जो क्या आपते जो गंगा मिशन चलती जो थे पिला इवाकुएट होती आज जो शेड्यूल फ्लाइट होता तेणु आज तार शेष फ्लाइट उड़ब यापर जी कह जी किसी पिला रही जाऊँच हूं तो परवर्त पर्यायर स्पेशल फ्लाइट आयोजन करवा पाने निज इच्छा चाहिए आसी पारे ये नहीं गत काली स्पष्ट कर दी जाए जहाँ जो काम पाई किसी पिला चाहूंगा कैरियर कथा
ହୁଏ ତ ସେମାନେ ରୋମାନିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହଙ୍ଗେରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲାଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସହରରେ ହୁଏ ତ ରହି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ରିସ୍କରେ ରହିବେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା ରହୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନଜର ରହିଛି, ଆଲୋଚନା ଡିସ୍କସନ କେଉଁ ଧରଣର ହେଉଛି, ଡିସ୍କସନରେ କେଉଁ କେଉଁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଉଭୟ ନେତା ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଅଲରେଡି ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରଷିଆ ଧ୍ୱଂସ କରିଚାଲିଛି, ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ ନତମସ୍ତକ କରୁନି ବା ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମେଟିକ ୱେରେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରୁନି, ତେଣୁ ଇଏ ଆହୁରି ଯଦି କହିବେ ବିଭୀଷିକାକୁ ବଢାଇ ଦେଇପାରେ। ଓକେ, ବିଭୀଷିକାକୁ ବଢିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କାରଣ ଇଏ କେବଳ ଏ ଦୁଇଟି ଦେଶ ଭିତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ହୁଏତ ବାହାରିବ ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ନହେଲେ ଯେଉଁ କଥା IMF ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଲାଣି ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ରହିଛି, ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ 1% ଖସିଯିବ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା 8.5% ରହିବ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ, ଯଦି ଖସିଯାଉଛି ତା 7.5%କୁ ଖସି ଆସିବ କି ଆହୁରି ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖସିଯାଇପାରେ, ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବିଷୟ ଯାହାକୁ ସବୁ ଖବରକାଗଜ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆଗେ ସକାଳକୁ ଆମେ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବରଟି ଉପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁର ଇଏ ମଣ୍ଡିର ଚିତ୍ର ସହିତ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏକ ଖବରକାଗଜରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଣ୍ଡିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଧାନ ରଖି ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ସମବାୟ ସମିତିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଦେବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଏ କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ 45,371 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 13,000 ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଏତେ ଚାଷୀଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ସରିଯିବ ମଣ୍ଡି, ତ କେମିତି ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ? ତାପସ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପସ, 45,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 13,000-14,000 ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିକ୍ରି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଏତେ ଚାଷୀ ରହିଲେଣି, ତ ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ 31 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ସରିଯିବ, ଏ ଯେଉଁ ନାଉଗାଁର ଚିତ୍ର ଖବରକାଗଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, କାହିଁକି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କଥା ଏଠି ଆସୁଛି ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀମାନେ କାହିଁକି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ରହିଛି, ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ରେ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଥିଲା ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଣ୍ଡିରେ ପଡିକି ରହିଛି, ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଉଠିପାରୁନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ରହିଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡି ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଧାନ ଯିବା କଥା ତାହା ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାନ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ କଥା କହିବା, ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ଯୋଉ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଛି ସମବାୟ ସମିତି ରହିଛି ବା ଧାନ ମଣ୍ଡି ରହିଛି, ସେଇ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ଯାକ ମଧ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଏହାଦି ଭିତରେ ଚାଷୀମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗଙ୍କର ଯେ ମୋବାଇଲ ରହିଥିଲା, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ରଖିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଚଳିତ ଖରିଫ ସିଜିନ୍ରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଧାପି ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଆହୁରି ଏତେ ଚାଷୀ ରହିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 20-22 ଦିନ କଥା ରହିଲା, ତ ୟା ଭିତରେ କେମିତି ଏତେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, 1,01,518 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟୋଟାଲି 4,117 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଆହୁରି
हजार हजार चाषी रही अल्प समय रही अल्प समय भितर चाषी मैंने किभली भाव में मंडी धान देवे जो प्रशासन एक चिंता चिंता करा कथा कहीं जिते चाषी मैंने असंतोष प्रकाश कर जोगाण विभाग को जोगाजोग करोगाण विभाग मोबाइल को सुजोग रखुं चाषी मान को जोगाण विभाग अणदेखा कर प्रश्न उठू सरकार जो कृषक चाषी मान को गुरुत्व दौर कौन आम चाषी को प्राधान्य देखु कितु चाषी को प्राधान्य चाषी मैंने धान को मंडी दवापी आसुंच मंडी खामखियाली धान से कटिनी छटिनी धान न ना निर्धारित जहाँ समय अल्प समय रही यार चाषी धान न दे पारे चाषी ना कौट या असंतोष प्रकाश करते शक्तिशाली देखते गोटे बड़ कथा हूँ जो चाषी मैंने धान न दे पार जोगाण विभाग को जोगाजोग कर अभियोग कर जोगाण विभाग यार भितर कौट ना कौट मोबाइल को स्विच अफ रखुं चाषी मान को कौन प्रकार सतोषमूलक उत्तर दे पार ना जहाँ को चाषी मैंने असंतोष प्रकाश करेंपर एवं मंडी रही मंडी क्विंटाल क्विंटाल धान से मंडी में पड़ के रोचे राति दिन तमाम धान मंडी में पड़ रही देखा मिली कहीं निर्धारित समय रही मार्च 31 तारीख सुधा समस्त धान उठा कि हाथ में अल्प समय अच्छी अल्प समय भितर किभली भाव में मंडी धान उठा जा पार्ता एक चिंतार विषय शक्तिशाली निश्चित रूप बहुत बड़ चिंतार विषय जे धान मंडी जदि न उठी पार ताल चाषी केमिति निजर वर्षकर आय से कौट जोगाड़ करेंगे कारण ये धान बिकी से वर्षकर आय जोगाड़ करते गोटे बड़ चिंता ये केवल जगत सिंहपुर कथा नाउगाँ कथ नुहे सारा ओडिशार एभली स्थिति बहुत बहुत धन्यवाद तापस सूचनापाई तापस दास आम प्रतिनिधि प्रतिक्रिया दूसरे नाउगाँ में मंडी समस्या संपर्क में जो खबर प्रकाश पाई खबर कागज जगत सिंहपुर पर जाजपुर खबर उपर नजर पकेबा 64 कोटी टंका प्रकल्प दुर्नीति कथ आसुची व्यास सरोवर विकास कार्य किभली भाव में अनियमितता है ताकु नहीं कि खबर प्रकाश पाई जे माटी भितर इटा जोड़ा चली बाली बदल माटी पोता चली भाव में दुर्नीति कथा सामना को आसुची अधिक आलोचना आम सहित आम जाजपुर प्रतिनिधि जोड़ी सारी परमेश्वर परमेश्वर जब देखा जे जहाँ अभियोग आसी जहाँ फटो सहित प्रकाश भी पाई जे बाली बदल माटी सा यार भितर अनेक किसी दुर्नीतिर खबर सामना को आसुचे देखंतु महाभारत किंवदंती बहन करुथुबा व्यास सरोवर जहार नारे आज व्यासनगर व्यासनगर म्युनिसिपालिटी मध्ये हेची तो सेठी गोटे प्रकार व्यापक अनियमितता देखा मिली अर्थात आम कहींपर आज दिन में हुए तो व्यास सरोवर पोती हो गला किंतु तार पुनरुद्धार करा जो पर्यटक मैंने आसुंच वार्षिक पाखापाखि 7 लाख पर्यटक आसपर अधिक आकृष्ट कर 64 कोटी टंकार पाखापाखि प्रकल्पर व्यय अटकल कर प्रकल्प कार्य आरंभ होती से कार्य व्यापक अनियमितता देखा मिलूँ ये जो 64 कोटी टंकार जो प्रकल्प निर्माण कराऊ नेशनल NBCC अर्थात नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन माध्यम रे दिल्ली रो गोटे घर संस्था को दि जाएगी जो थे पाखापाखि एवं जो कार्य चालू अच्छी से कार्य जो सब प्रक्रिय हवा कथा से प्रक्रिय न हो कि जो जगह बाली पड़ा कथा से जगह माटी पका जाऊँ जो बाली उपर जीपरी लेबलींग करके इटा चादर करा कथा से जगह से सब न कर पाखापाखि से जो घटना को देखले सीधा सड़क भाव में लगुच जो कार्य चलुच कार्य व्यापक अनियमितता कराफल जो कार्यटी चलुअ से कार्य अल्प किसी दिन भितर भांगिजी अर्थात 64 कोटी टंकार जो प्रकल्प निर्माण हो प्रकल्प संपूर्ण भाव में आम जी कहीपर व्यापक भाव में दुर्नीति से अर्थ किपर आत्मसात कर सेर व्यवस्था करोथे साधारण लोक और स्थानीय लोक असंतोष व्यक्त कर सहित जदि आम कहींपर ये जो महाभारत किंवदंती बहन कर जो प्रकल्पटी निश्चित भाव में कौटना कौटी आग को निश्चिन्न हो जो कथा कहुच पर्यटन को आकृष्ट करोटना कौटी आउ किद से जगह को पर्यटक मैंने आसबे कमलाकांत जमीक प्रतिक्रिया कथा कहुची जे जिला प्रशासन बोधे हाथ टेकी किंतु जदि सामना को आसुची जे दुर्नीति हो ठीक भाव में कम हो तो जिला प्रशासन भी दायित्व हो खबर को सामना को आने कार्यानुष्ठान न ग्रहण कले भी कम से कम एक कथा को उठाइबा प्रसंग को उठाइबा
निश्चित पक्षे जाजपुर जिले रे अनेक समय रे जानिथिबे अनेक प्रकल्प रे दुर्नीति कार्य सामना को आसीछि तो ये तार गोटे आउ गोटे अंश विशेष कारण जाजपुर रे जेकोनोसी कार्य हो सेतरे कोटना कोटी दुर्नीति रो बासना ही आसीथाय तो प्रशासन एहा उपरे निश्चित भाव रे तुरंत त्वरित पदक्षेप नवार आवश्यकता अछि कारण जेहेतु महाभारत रो किंवदंती बहन करूछि जे व्यासदेव रहिछन्ती एहा तांकर स्थान थिला बोली कुआ जाय एवं व्यास सरोवर मध्ये एठार उपस्थित एबे हुए तो से सब जिंस देखिबा को मिलुनी किंतु प्रशासनिक अवहेला जोगु ए सब कार्य हो बोलिकी साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होती तेज निश्चित पक्षे आम कहीपर कारण प्रत्येक वर्ष व्यास सरोवर मेला अनुषित होता है अनेक दूरदूरांतर लोक मैंने कौटना कौटी एभली कार्य जोबले हूँ लोक और पर्यटक गोटे प्रकार जो आकृष्ट हवा जगह निराश हो पर्यटक मैंने फेर प्रशासन व्यास सरोवर जो कि भाव से कम आग को बढ़ी पारना तो से संपर्क में सूचना दूसरे जे व्यास सरोवर जो प्रकल्प 64 कोटी टंका से घोषणा करागला किंतु ताहा कामरे आसी पारु नाही प्रकल्प रे दुर्नीतिर गंध वर्तमान सामना को आसी काम आगे पारना जीवा परवर्ती खबर जहाँ खबर कागज पृष्ठार रही आम पानी जल समस्या आरंभ करूँ एवं ये पुणी थे खोर्धा जिला ये आसुची जे ये खोर्धा जो रही खोर्धा पौरपालिका जो 61 वर्ष हो गला खोर्धा पौरपालिका गठन किंतु आज पर्यंत सबु अंचल ने पाइप जोगे पानी जल पहुँची पारा ना पीवा पा पहुँची पारा ना जो नलकूप रही सी अचल जो कि ये खरा दिन जिते आरंभ आसब ताति बढ़ उत्कट हो पानी जल समस्या एक प्रकाश पाई खबरकगज पृष्ठार संग्राम होता आम प्रतिनिधि अधिक अपडेट सहित जोड़ी होती संग्राम जो कथा कहु खोर्धा पौरांचल कथा एवं एटी मध्ये 61 वर्ष पर भी पौर परिषद गठन आज पर्यंत सबुठी पीवा पानी पहुँची पारुनि ये तो बड़ा आश्चर्यजनक कथा ये राजधानी जो जिला अधीन आसुची एवं तार अवस्था एभली नलकूप मध्ये अचल हो पड़ुछि तो लोक माने केमती पीवा पानी सहित जो खरा दिन जिते बड़े हम पानी तो अधिक पीवा पानी समस्या तो अति उत्कट रूप धारण कर पौरांचल ने निश्चित शक्ति साहब गोटे सूचना देवा चाहिए जिते 2019 साधारण निर्वाचन रही निर्वाचन ठीक गोटे वर्ष पूर्व राज्य सरकार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आसते आईआईटी और नाइजर को दृष्टि रखी खोर्धा सहरांचल और जटनी सहरांचल बृहत पानी प्रकल्प जहां नराज रु पाइप जोगे आसी खोर्धा सहरांचल जटनी सहरांचल आईआईटी नाइजर को जोगा आईआईटी नाइजर को लक्ष्य रखी जो बृहत पानी जल प्रकल्प नराज निर्माण कराला पाइप जोगे जटनी सहरांचल खोर्धा सहरांचल को आसला किंतु जहार जनस्वास्थ्य विभाग विभाग पक्ष रही जटनी जनस्वास्थ्य विभाग और खोर्धा जनस्वास्थ्य विभाग जनस्वास्थ्य विभाग जो पाइप जोगे समस्त घर को जल जोगाण करा किंतु मुख्य प्रसंग रही जल जोगाण प्रकल्प हो नाला अनेक चैनपोस्ट रही नलकूप रही जो खोर्धा कथा देखा खोर्धार दिन कु दिन जनसंख्या वृद्धि पार लगी अनुजाई जो पाइप जोगाण जो प्रकल्प कथा रही पाइप जोगाण सठिक भाव समस्त घर पहुंची पारा ना अनेक नलकूप जहाँ दायित्व रही जनस्वास्थ्य विभाग जो नलकूप रही स्टैंड पोस्ट गुड अनेक अचल हो पड़ रही जनस्वास्थ्य विभाग एथप्रति दृष्टि देवार आवश्यकता और पूर्व यह संक्रांत खबर प्रसारण होता कि जनस्वास्थ्य विभाग पाइप जोगाण सठिक मात्रा संपूर्ण जोगे खोर्धा सहरांचल हो पारा ना अनेक नलकूप बर्तमान अचल हो पड़ी जी जल आवश्यकता रही खोर्धा सहरांचल आनेक 2,55,000,000 लक्षर जो क्यूसेक जल आवश्यकता रही खोर्धा सहरांचल नलकूप अचल पड़ी और स्टैंडपोस्ट अचल गुड पड़ी एवं निर्वाचन आसी जाइए खोर्धार पौर परिषद निर्वाचन हम निर्वाचन में एजेंडा रही पानी जल समस्या और ड्रेनेज समस्या ये दुई गोटी समस्या हूँ खोर्धा सहरांचल मुख्य समस्या ए समस्या को एजेंडा कर विरोधी दल मैंने निश्चय निर्वाचन बैठक पार है आशा रखी एजेंडा कर लोक मानक जी कि जो जनस्वास्थ्य विभाग कर्तव्य रही दायित्व रही सहरांचल में किभ भाव विशुद्ध पानी जल जोगाण दिजाव अनेक नलकूप अचल हो पड़ी कि भाव निर्माण पुनः निर्माण कर दायित्व जनस्वास्थ्य विभाग रही इच्छा शक्ति अभाव कह जिला प्रशासन कथा कहत जनस्वास्थ्य विभाग इच्छा शक्ति अभाव लोक मैंने बारंबार दावी करवा सत्वे जनस्वास्थ्य विभाग निधाविष्टु पाल्टी जाए कौन पदक्षेप बर्तमान दुर्भाग्य कथा जे जो इत्ते प्रतिश्रुति दिगला निर्वाचन पूर्व प्रतिश्रुति ढालुंत किंतु निर्वाचन पारी हो गला निर्वाचन बैतरणी पारी होगा प्रतिश्रुति भूली जाऊँ ये राजधानी निकटे पौरांचल सबुठ निकटे पौरांचल खोर्धा पौरांचल और 61 वर्ष से पौर परिषद गठन को किंतु लोकों पाखे सबू लोक पाखे पीवा पा पहुँची पारना तो ये प्रकृतर विकास कौटी
ଯଦି ରାଜଧାନୀ ନିକଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ମାନର ଆମେ ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ, ଇଏ କେମିତି, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତବ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇବା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା, ଇଏ ଯେ କେତେ ଫରକ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଇଏ ଏଇ ଘଟଣା ହିଁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ଏ ଖବର ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି।